नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती, आज हम बात करेंगे बिहार में रिंग रोड के बारे में। बिहार में पथ निर्माण विभाग द्वारा नई योजनाएं ला रही है, इसमें से प्रदेश की यातायात सुविधा को और भी सुगम बनाया जा सके, इसको लेकर प्रदेश के शहरों में रिंग रोड बनाए जाने का प्रस्ताव है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो राजधानी पटना में रिंग रोड को लेकर कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में राजधानी पटना के साथ साथ प्रदेश के अन्य शहरों में भी रिंग रोड बनाने पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों रिंग रोड को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसके बाद ही यह पता चल पाया कि 5 शहरों में से 3 शहर का नाम सामने आ गया है, जिसमें गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर है। बाकी 2 शहरों पर विचार चल रहा है, जिसमें भोजपुर, कटिहार, बेगूसराय, छपरा, दरभंगा का नाम शामिल है। बता दें कि राज्य की इस योजना को केंद्र से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि फिलहाल शहरों के चयन का काम जारी है, इसके बाद पथ निर्माण विभाग केंद्र सरकार के प्रस्ताव सौंपेगा ताकि रिंग रोड के निर्माण हो सके। पटना के अतिरिक्त राज्य के अन्य प्रमुख शहरों की उपयोगिता, ऐतिहासिक महत्व, पर्यटकीय दृष्टिकोण के अलावा बढ़ते ट्रैफिक दबाव और लोगों की सुविधायुक्त सफर के उद्देश्य से रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव मंत्री ने रखा है, जिसे मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वीकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि इसको लेकर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो पटना में जो रिंग रोड बन रहा है वह बिहटा में बनने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से शुरू होकर कन्हौली होते हुए नौबतपुर, डुमरी, बेलदारीचक, रामनगर, सबलपुर, बिदुपुर सराय, अस्तीपुर, नया गांव, दिघवारा, शेरपुर होते हुए कन्हौली में आकर मिलेगा। आपको बताया जा रहा है कि इस परियोजना का नाम 2 चरणों में किया जाना है। इसमें रिंग रोड का अलाइनमेंट पहले ही पारित हो चुका है। बता दें कि सरकार ने इसको पहले ही सहमति दे दी है। यह केंद्र और राज्य सरकार की साझा परियोजना है। इस परियोजना के तहत 15,000 करोड़ खर्च होना है। बता दें कि 123.5 किलोमीटर लंबे इस परियोजना में 4 से 6 लेन सड़क बनाई जाएगी। इसके तहत गंगा नदी पर 2 पुल भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ गंडक नदी पर वर्तमान पुल के बगल में एक नया पुल बनाया जाना है। तो इस तरह से कहें कि ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए बिहार के अलग अलग शहरों में जो है इस तरह की सुविधा लाने पर काम किया जा रहा है। प्रदेश में बेहतर सड़क सुविधा को लेकर कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में अब शहरों के अंदर आने वाली परेशानियों को देखते हुए रिंग रोड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। ऐसे में अब सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि किस तरह से शहरों को सबसे ज़्यादा फायदा दिलवाया जा सके। ऐसे में 3 शहरों की पहचान की गई है, जिसमें ऐतिहासिक और पर्यटन को ध्यान में रखा गया है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार सड़कों के मामले में पहली पंक्ति में खड़ा होगा और देश में एक अपना अलग स्थान रखेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।